गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, वेलकम टू माई इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द वर्ड्स बिगिन विद द लेटर जेड, एंड दिस इज द लास्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। ये हमारा अल्फ़ाबेट का लास्ट लेटर है, ठीक है। इसके बाद अल्फ़ाबेट ख़त्म हो जाएगा, हमारे वर्ड्स जो है वो फिनिश हो जाएंगे। दिस इज कैपिटल जेड एंड दिस इज स्मॉल जेड। और आपको हमेशा याद रखना है कि आप जब भी जेड बोलिएगा तो आपको जेड नहीं बोलना है, ज नहीं बोलना है, ज बोलना है। व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन? इट्स ज, जेड, स्मॉल जेड, कैपिटल जेड। तो ये आपको जेड हमेशा ध्यान रखना है कि इसको आपको जेड ही बोलना है, जेड नहीं बोलना है, ठीक है। नाउ लुक एट ऑल द पिक्चर्स। ये क्या है देखिए, तो ये क्या है? जिप। और ये जिप तो आप देखे ही होंगे, आपके बैग में रहता है, आपके पैंट में, बॉयज़ के पैंट में रहता है, ये चेन आपके किसी भी जैकेट में रहता है। तो जेड फॉर जिप। जिप मीन्स क्या होता है? चेन। इसको खोला भी जाता है और इसको बंद किया भी जाता है, जेड फॉर। दूसरा क्या है? जिग जैग। जिग जैग मीन्स देखिए कैसे है, ऊपर नीचे टेढ़ी मेरी लकीर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेढ़ी मेरी लकीर। और ये हम लोग जब ड्रॉ किए थे, जब इस हम लोग बुक में लाइन सीखे थे, तो हम लोग जिगजैग भी बनाए थे ऐसे। नाउ गेम्स में भी आता है जिगजैग वाला गेम। जेड फॉर ज़ीरो। ज़ीरो मीन्स शून्य, ज़ीरो। हम लोग जब भी कोई भी चीज़ रहता है शून्य ज़ीरो को, आपको पता है 1 0 10 बोलते हैं, और 1 से पहले ज़ीरो आता है, ज़ीरो उसके बाद ही 1 आता है, और 1 0 10 2 0 20। तो ज़ीरो आप लोग यूज़ किए हैं, आपको पता है ज़ीरो मीन्स शून्य। जेड फॉर ज़ूम। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी पिक्चर को जब आपको बड़ा करके देखना होता है, नज़दीक करके और देखना होता है, तो उसको हम लोग ज़ूम करते हैं। आप लोग हमेशा देखे होंगे, आप लोग मोबाइल में भी सबसे ज़्यादा तो उसी में हम लोग जूम करते हैं, कोई भी पिक्चर को देखना होता है तो जूम करके हम लोग देखते हैं, हाँ। और ये लेंस से भी डॉक्टर लोग देखते हैं, दांत देखना रहता है, बस कोई भी चीज़ आँख के अंदर देखना होता है तो जूम करके देखा जाता है। नाउ जेड फॉर ज़ेब्रा। और ये भी एक एनिमल है, ये वाइल्ड एनिमल है। हाउ डू वी लर्न? जूम पहले हम लोग कैसे रीड करेंगे? ZOOM, जूम। और ज़ेब्रा कैसे रीड करेंगे? ZEBRA, ज़ेब्रा। नाउ जेड फॉर जिप, जेड फॉर ज़िगज़ैग, जेड फॉर ज़ीरो, जेड फॉर ज़ूम, जेड फॉर ज़ेब्रा। आपको ये अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन करके इसको लर्न करना है। और आज आपको 3 वर्ड्स ही याद करना है, जिप, ज़िगज़ैग, ज़ीरो, ठीक है। जिप फॉर चेन। जिप मीन्स क्या होता है? चेन। ज़िगज़ैग मीन्स टेढ़ा मेरा, जो भी आप लकीर इसको कहते हैं। ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स शून्य। तीनों को अच्छी तरह से स्पेलिंग को याद करेंगे। और आज हम लोग क्या लिखना सीखेंगे? जेड लिखना सीखेंगे। तो बहुत सुंदर से जेड लिखना है। जेड में आप लोग छोटा बड़ा नहीं करेंगे, ये दोनों और ऊपर दोनों का लाइन एकदम बराबर होना चाहिए, और सुंदर से आपको कॉपी पे लिखना है। सबसे पहले आपको क्या बोलना है? कैपिटल जेड कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट कैपिटल जेड? फॉरवर्ड, देन स्लैंटिंग डाउन, लेफ्ट, देन अगेन फॉरवर्ड, इट्स कैपिटल जेड। जेड फॉर ज़िगज़ैग। नाउ स्मॉल जेड, आपको मिडिल से स्टार्ट करना है। हमेशा याद रखिएगा कि स्मॉल जेड हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मिडिल से, स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल। अगेन स्मॉल फॉरवर्ड, देन स्लैंटिंग डाउन लेफ्ट, देन अगेन फॉरवर्ड, इट्स स्मॉल जेड। स्मॉल जेड फॉर ज़ीरो, ज़िगज़ैग, ज़ीरो। और ये तीनों स्पेलिंग आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। और आज हम लोग किस पे लिखेंगे? बुक पे। सुंदर से आज हम लोग बुक पे लिखेंगे जेड। ट्रेस से, लुक से एंड ट्रेस। सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, देन स्लैंटिंग, देन अगेन फॉरवर्ड। ये क्या हो गया? कैपिटल जेड।
और जब हम लोग बुक पे लिखेंगे तो वन फिंगर का डिस्टेंस लेंगे सुंदर से, वन फिंगर के डिस्टेंस के साथ आपको जेड लिखना है, फॉरवर्ड स्लैंटिंग डाउन अगेन फॉरवर्ड, वन फिंगर डिस्टेंस फॉरवर्ड सुंदर से लिखना है, स्लैंटिंग डाउन फॉरवर्ड, आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। एंड दिस इज अ स्मॉल जेड, सुंदर से आपको पैलेट ट्रेस कर लेना है और फिर वन फिंगर डिस्टेंस के साथ ये मिडिल में लिखाएगा, देखिए सुंदर से फॉरवर्ड स्लैंटिंग फॉरवर्ड, टेक वन फिंगर डिस्टेंस फॉरवर्ड स्लैंटिंग फॉरवर्ड। चिल्ड्रन यू कंप्लीट दिस पेज एंड लर्न द वर्ड्स, ओके बाय।